अरविंद भाटी जो अध्यक्ष बने हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े बड़े नाम होते हुए भी, जैसे श्रीवास्तव ने कहा कि मैंने उनसे पहले पूछा कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति से बाहर रहना है। मैंने उनसे कहा कि पार्लियामेंट में रह चुका हूँ, इसलिए राजनीति बहुत खूबी तरीके से जानता हूँ। और मैंने कहा फिलहाल की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अभी की फिलहाल जो व्यवस्था है उसका मैं आलोचक हूँ, इसलिए मैंने कहा आपको लाभ नहीं होगा, नुकसान ही होगा, आप मुझे बुलाओगे तो भी। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नुकसान हो या कुछ भी हो, आपको आना है। उनके ही आग्रह पर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी बात को छोड़ा नहीं जब तक मैंने हाँ नहीं कहा तब तक। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, साधु महाराज जी और विद्यार्थीगण, मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि हम लोग ट्रांजिटरी फेज से गुजर रहे हैं। मैं समझता हूं कि 75 साल की ये जो ट्रांजिटरी फेज है, इसको कहीं ना कहीं तो भी हम लोग एक स्टेबिलिटी की ओर, एक बुनियादी व्यवस्था की ओर ले जाने की जरूरत है। और उसके लिए मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों को अपना निर्णय लेना जरूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ये ट्रांजिटरी फेज क्या है? पहले तलवार का राज था, अब तलवारें नहीं चलती, बंदूकें नहीं चलती। अब दुनिया भर में जो व्यवस्था चली है वो कलम की व्यवस्था चली, और इस बात को हम लोग जब तक मानते नहीं तब तक मैं मान के चलता हूं कि यहां जो ट्रांजिटरी फेज है या इंस्टेबिलिटी का जो फेज है उसको हम लोग खत्म नहीं कर पाए। क्योंकि स्टेबिलिटी अगर लाना है, बुनियादी बदलाव अगर लाना है, जैसे विद्यार्थियों के भाषा में कहा जाता है कि आपके फंडास, सरल लफ्जों में कहूं तो आपके प्रिंसिपल्स, आपको तय करना जरूरी है। ये आपके प्रिंसिपल जब तक आप तय नहीं करते, आपके फंडा आप जीने के तय नहीं करते, तब तक मैं समझता हूं कि समाज के अंदर जो उथल पुथल चली है उस उथल पुथल को आप स्टेबलाइज नहीं कर सकते। और उसी की बात है, आज दुनिया एक वॉर के खतरे पर खड़ी है, इसमें दोरा नहीं है। ये फिजिकल वॉर नहीं होगा, ये शारीरिक वॉर नहीं होगा, ये कॉलोनाइजेशन का वॉर नहीं होगा, ना कोई आके किस पर राज करेगा। अब जो पीरियड चली है, जो व्यवस्था चली है, उसमें एक दूसरे की इकोनॉमी, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था हम लोग काबिज कैसे करें, इसका युद्ध चला है। हम जब एक दूसरे का अर्थव्यवस्था कैप्चर कर लेते हैं तो हम लोग उसको गुलाम बना देते हैं, और यही सबसे दुनिया में चल रहा है। और इसी से अगर हम लोग को बचना है तो मैं मान के चलता हूं कि कलम की ताकत जो है वो कलम की ताकत हम लोग को समझना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने 1923 में
आज ये जो इंडियन करेंसी है, रुपी जिसको हम लोग कहते हैं, इसका सवाल उस वक्त उन्होंने उठाया था और कहा था कि प्रॉब्लम ऑफ रुपी। इस रुपये की खरीदारी की मूल्य कीमत जब तक हम लोग स्टेबलाइज नहीं करेंगे, जब तक इसको नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक ना यहां का किसान हो या यहां का मजदूर हो वो सुखी से जग पाए, आनंददायक परिस्थिति में रह पाएगा। और आज हम लोग को दिखाई देता है कि 75 साल के बाद भी इस रुपये का जो मूल्य है उस मूल्य को हम लोग स्टेबलाइज नहीं कर पाए। उसकी वजह यह है कि हम लोग ने कलम को महत्व नहीं दिया और उसको अभी भी दे नहीं रहा। जब तक हम लोग अपनी समस्याओं का हल नहीं निकालेंगे, अपनी समस्याओं का हल जब तक हम लोग नहीं निकालेंगे, तब तक इस देश के अंदर स्टेबिलिटी आ नहीं पाएगी और हम लोग दूसरी ओर बढ़ रहे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। मेरे पूर्व वक्ता ने संविधान की बात कही और उससे लेकर कहा कि इस पर काफी गर्मा गर्मी की चर्चा चल रही है, जरूरत चल रही है। चर्चा यह चल रही है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, अमेरिका की तरह डेमोक्रेसी हो या आज अपने यहां गांव का कोई व्यक्ति हो खड़ा होना चाहता है तो वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, इसकी चर्चा चल रही है। इस देश में एक पक्ष है कि जो अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी लाना चाहता है। मैं यहां विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूं कि यहां का अगर वोटिंग पैटर्न अगर हम लोग देखें, जिस तरह से हम लोग का मतदान होता है, क्या यहां का क्षत्रिय हो वैश्य हो अगर इलेक्शन में खड़ा हो जाए प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन में, क्या वो जीत पाएगा? मुझे नहीं लगता जीत पाएगा जब तक यहां तक जातीय भावना अमल करती रहेगी और अपने दिल और दिमाग पर राज जब तक करती रहेगी तब तक हम लोग किसी एक वर्ग को ही प्रेसिडेंट बनाते रहेंगे और बाकी सब उसको देखते रहेंगे। ऐसी एक परिस्थिति, संवैधानिक जो परिस्थिति बनी है, पार्लियामेंट्री व्यवस्था जो बनी है, इसमें छोटे से छोटा सा व्यक्ति भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और मोदी उसके जो उदाहरण है, मोदी जी उसके एक उदाहरण है। ओबीसी में से आते हैं और प्राइम मिनिस्टर बन गए। अगर एक ओबीसी का कैंडिडेट कल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, क्या उसको हम लोग वोट देंगे? सीधा सीधा सवाल है और सीधा सीधा सवाल का जवाब आप नहीं दे पाते हो तो इसका मतलब यह है कि आज के आपके मन में संदेह है कि मैं उसको क्यों वोट दूं। डेमोक्रेसी जो है वो अब जाके समाज के अंदर पनप रही है, उसको पनपने दीजिए, समाज का एक हिस्सा बनने दीजिए। और जब तक वो समाज का हिस्सा नहीं बनता है, तब तक मेरे ख्याल से हम लोग ने नई व्यवस्था की चर्चा करना महसूस में नहीं मानता हूं। हम लोग अपने आप को ही गुमराह कर देते हैं और गुमराह करने से ये जो ट्रांजेक्टरी पीरियड है, ये ट्रांजेक्टरी पीरियड जो है वो बढ़ता जा रहा है और हम लोग स्टेबिलिटी की ओर नहीं जा रहे।